हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपकी इस नई वीडियो में, जो कि कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व की पेपर है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो प्रिंट आउट करवा के आपको दिया हुआ है, उसी की वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि यदि कोई चैनल पर नया है, नया वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो उसको मिलती रहे और पेपर से संबंधित नोट्स वगैरह आप लोगों को मिलते रहें। ये क्लास 11th क्लास का पेपर है, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का, PCMB का जिसको बोलते हैं। पेपर का माहौल आप लोग का चल रहा है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे, सभी बच्चे यहाँ वहाँ से पेपर ढूंढने में लगे हुए होंगे, पता है। इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे क्लास 11th का, सर पेपर दे दीजिए, पेपर दे दीजिए। तो चलो, पेपर आप लोगों का तैयार हो चुका है, देखते हैं। और इससे भी अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर मिलने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप लोगों को नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों के क्वेश्चन सर यहाँ से स्टार्ट नहीं होते हैं, यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सही विकल्प दिया हुआ है आप लोगों का। पहला है, ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि होती है। तो ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि क्या होती है? तो 12 नंबर का हो जाएगा संवाहन। सभी बच्चे वैसे पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका कौन सा सही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो वैसे हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जो कि परम पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है, इसका 7 नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका, AlCl3 यौगिक है, तो इसका 7 नंबर का सही हो जाएगा, विद्युतीय बंद हो जाएगा, ठीक है। विद्युतीय बंद हो जाएगा, इसका 8 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है आपका, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, ठीक है। NH2CO NH2 होता है, राइट। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिंदूरी उर्वरक के नाम से किसको पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH2 होल क्वाइज SO4 हो जाएगा, इसका सही आंसर 12 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान दिया हुआ है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको को। पहला है DAP, एक है DAP, कैसी खाद है? तो एक खाद नहीं, उर्वरक है, DAP एक मिश्रित उर्वरक है, राइट। आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल क्षार अनुमापन में किया गया आधारित होता है, तो किसका आधारित किया गया होता है? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है, इसका सही आंसर है उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथे नंबर का है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवें नंबर का, जो कि खाली स्थान है आपका, मैथिल ऑरेंज एक आंतरिक सूचक है, राइट। अगले सही जोड़ी आ जाती हैं अपनी, सही जोड़ी एम है, कीबोर्ड हो जाएगा, तो कीबोर्ड हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, राइट। अगला हो जाएगा आपका माउस हो जाएगा, तो माउस में हो जाएगा आप लोगों का कंप्यूटर। और प्रिंटर थर्ड नंबर का जो कि है, तो प्रिंटर इसमें आ जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और चौथे नंबर का जो कि क्वेश्चन है, 2 का परामित्र हो जाएगा 8, तो मिलकर 10 हो जाएगा, राइट। पाँचवें नंबर का जो कि क्वेश्चन है आपका, वैदिक गणित के सूत्र, तो वैदिक गणित का सूत्र हो जाएगा इसमें 16, राइट। ये आप लोगों के 3 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन, चौथे नंबर का जो कि क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। पहला है आपका, द्विबीजपत्री जड़ में संवाहन फूलों की संख्या 15 से 20 होती है, सही है कि गलत है, आप लोगों को पता नहीं, ठीक है। अगला है, एक बीजपत्री जड़ में अधा होती है। अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जायंग पुष्प का पहला भाग होता है, सत्य कि असत्य आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला है, मटर पेपिलियोनियोसी उपकुल का सदस्य है। और पाँचवें नंबर का जो कि क्वेश्चन आ जाता है, मॉनिटर परिणात्मक इकाई होती है, ठीक है। आपके चौथे नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन सर यहाँ से पहला पूछ रहा है आप लोगों का, पाँचवें नंबर का जो कि क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा और ताप में अंतर लिखना है, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों के यहाँ तक स्टार्ट कंप्लीट हो गए थे। अगला छठवां नंबर का जो कि क्वेश्चन है, संघ कॉर्डेटा के 2 प्रमुख लक्षण, ऑर्थोपोडा एवं एनेलिडा के दो नाम लिखने प्राणियों के, ठीक है। यदि आप लोगों का इस पेपर का PDF चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं।
आगे के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। तो और अभी इसकी और पेपर की वीडियो मिलेंगी आप लोगों को, तो आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, तो आप लोगों को PDF के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आगे हैं आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ नीचे भी दिया हुआ है आप लोगों का। आप लोगों को एग्रीकल्चर से संबंधित सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर PDF मतलब कि वगैरह वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सवाल है, ये साइन थीटा वाले क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, आप लोग इन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।